मैं राजकुमार कश्यप, हंगामा टाइम न्यूज। मैं जिला बरेली के थाना व भतपुरा ब्लाक में खड़ा हूँ। ये मेरे सामने सज्जन व्यक्ति खड़े हैं, इनका कहना है कि हम गरीब और छप्पड़ों में पन्नी डाल के रह रहे हैं। इनका नाम पता पूछता हूँ, क्या मामला है भैया? अपना नाम आप पूरा बताएं। नाम ख्याली राम नरई नगुआ नंगला, जिला बरेली, तहसील नवाबगंज। आपकी ब्लाक भतपुरा पता है और तहसील नवाबगंज। अच्छा, क्या आपके जमीन उमीन है? क्या है? जमीन नहीं है सर, कतई हमारे एक दो बीघा। एक बीघा भी नहीं। क्या करते हैं ऐसे मजदूर? क्या करते जी? धान लगाते हैं, ईंटें ईंटें जी। हाथ तुम्हारे सड़े क्या आज हो गए? जैसे धान लगाने गए इसलिए। कितने बच्चे हैं? पांच बच्चे हैं। पांच बच्चे। अच्छा, पहले प्रधान जी कौन थे? पहले गंगवार थे, आज मोहम्मदन है। अच्छा, पहले आपने वोट दिया होगा? हाँ, दिया। अब तक कमरा तुम्हारा क्यों नहीं बना? कमरा गंगवार लोग हैं भाई, जिसकी मर्जी होती उसी काम करा। अच्छा, आज आज को क्या नाम उनका? मोहम्मदन है, असलम प्रधान। अच्छा, इनसे कभी कमरे के लिए कहा? तीन साल इनकी गुजर गयी। बड़े भाई सदस्य है हमारे, वे कहते हैं कि कमरा जिनको बनवा दो, अभी तो कोई सुनवाई नहीं। मतलब तुम्हारी जमीन भी नहीं है, एक भी इनसे कोई कहूँ जगह भी नहीं है और ना कोई जमीन। मजबूरी करते इसी झोपड़ी में रहते हो? तो शिकायत तुमने कहाँ का दी है? कि क्या मतलब हमारे चाहे सरकार से क्या मांगना चाह रहे हो? सरकार से यही मांगना चाह रहे हैं कि हम वोट वोट देते हैं भाई, हमारे वो भाई देख ले कमरा उमरा आ जाते। हमारे मोदी सरकार इतनी अच्छी, योगी सरकार हर गरीब के लिए कमरा, पर इस क्षेत्र में कि जो आदमी पैसा देगा तो शायद उसी कमरा बनेगा। अब जे बेचारे पांच बच्चे लेके बाहर जाते हैं, ईंटें बनाते हैं, कहीं धान लगाने पहुँचे, कुछ पहुँचे। अब ये देखना है कि सरकार या गांव के प्रधान या यहाँ के नेतागण इन गरीब आदमी का कमरा कब देंगे। और ऐसी बारिश में आप देख रहे हैं, तीन दिन की बारिश में कहीं पुल टूटा है, कहीं कहीं बिल्डिंग खस गई, कुछ हुआ है। अब इनकी यही दुआ है कि हमें सरकार या कोई एक कमरा दिलवा दे। तुम क्या कहना चाहते हैं माध्यम जोड़? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा भी मकान बन जाता है, अब कमरा मरा आ जाता है भाई साहब। ठीक, आप देखिए क्या गरीब की हालत है।